हाय एवरीवन, इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट रहेगा जो कि रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। उसमें हम HTML के, CSS के, JavaScript के और React के और भी अलग अलग टॉपिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस हम डालेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में ही आएंगे सारी चीज़ें, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ऑर्डर में रहें। सबसे पहले HTML का रहे, फिर CSS का रहे, फिर JavaScript का रहे, फिर React का रहे। लेकिन ऑर्डर में आने के बावजूद भी हो सकता है बाद में मुझे कोई CSS का नया क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं बाद में अलग से भी वीडियोस डालता रहूँगा। तो ये प्लेलिस्ट ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा उसमें वीडियोस आना, वो हमेशा आते रहेंगे। जैसे जैसे हमें नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे ना, हम वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के आप मान लो कि जो 4-5 वीडियोस रहेंगे वो ऑर्डर में ही रहेंगे, HTML, CSS, JavaScript और React। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहेंगे, जो कि हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर मतलब इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। और जो शुरुआत के क्वेश्चंस रहेंगे, जो शुरुआत के 4-5 वीडियोस के क्वेश्चंस रहेंगे, वो मेनली फ्रेशर लेवल को टारगेट करेंगे। कोई एडवांस लेवल SD2 या SD3 का क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस सिंपल ही बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। फ्रेशर और इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे हम कवर करेंगे, और फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम एडवांस क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के इंटरव्यू क्वेश्चंस। लेकिन HTML के इंटरव्यू क्वेश्चंस से पहले कई बार वेब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम 2-3 वेब के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डॉक जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। इस डॉक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा ये डॉक। और HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस इस डॉक का नाम है, हालांकि इसमें मैंने वेब के क्वेश्चन सबसे पहले रखे हैं क्योंकि ज़्यादातर वेब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ HTTP। तो इसको मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताया है, और अगर आपको समझना है कि HTTP क्या होता है, कैसे काम करता है, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है, तो आप ये और ये दोनों वीडियोस देख लेना। आपको इसी डॉक में इन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, इसमें बड़े ही डिटेल में मैंने समझाया है। आप वो दोनों वीडियोस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि HTTP क्या होता है, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, और यहाँ पे जितने भी वेब के अंदर क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो में किया है। लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ कि HTTP क्या होता है। तो HTTP बेसिकली एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हम प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल। तो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन का एक रूल है जो कि वेबसाइट्स फॉलो करती हैं। जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो सारी HTTP प्रोटोकॉल पे बनी होती हैं। तो इंग्लिश में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि HTTP इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑन विच आवर वेबसाइट्स आर बेस्ड। तो जो हमारी वेबसाइट होती हैं वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। सर्वर से क्लाइंट का कम्युनिकेशन HTTP प्रोटोकॉल में होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन आपको अगर पता नहीं है, बस केवल याद करके बता रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। वो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि बंदा रट क्या है, वो एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा कि कैसे होता है, मतलब कैसे जाती है रिक्वेस्ट, क्या आपने कभी देखा है, ऐसा कुछ पूछ लेगा तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको केवल रट के आंसर नहीं देना, ये तो बहुत ईजी हो गया। मतलब दो लाइन का आंसर है, इसको रट लेंगे और हम आंसर कर देंगे, हमारा इंटरव्यू निकल जाएगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा HTTP क्या होता है। फिर आप इंटरव्यूअर को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका जो इंटरव्यूअर है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए हिंदी में। मान लो उसको हिंदी आती ही नहीं, तब तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें, तो इसके लिए आपको इंग्लिश अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो इनमें बेसिकली दोनों एक ही प्रोटोकॉल हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दोनों का फुल फॉर्म वही है। बस एक जो है, जो जिसमें एस लगा होता है वो सिक्योर फॉर्मेट होता है, उसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, जबकि जो विदाउट एस वाला है HTTP, जो केवल HTTP प्रोटोकॉल है, उसमें प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होता है। तो कोई भी हैकर अगर हमारे नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर लेता है बीच से, तो उस डेटा को वो मतलब यूज़ कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसीलिए जो आजकल की ज़्यादातर वेबसाइट होती हैं वो HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, जिसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। तो इसको अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है तो आप बोल सकते हैं बोथ आर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
बट द एच टी टी पी एस वन इज अ सिक्योर फॉर्मेट इन विच डेटा इज ट्रांसफर्ड इन अ इनक्रिप्टेड मैनर सो दैट एनी हैकर कैन नॉट इंटरसेप्ट लाइक इवन इफ दे इंटरसेप्ट दे विल नॉट गेट द यूजफुल डेटा वाइल इन एच टी टी पी प्रोटोकॉल डेटा इज ट्रांसफर्ड इन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट सो इफ एनी हैकर इंटरसेप्ट द नेटवर्क ही विल गेट टू नो ऑल द डेटा एंड ही विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट द डेटा सो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज यूज एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल फॉर आवर वेबसाइट्स तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होने चाहिए तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा ये चार लाइन का और याद करेंगे तो आप भूलेंगे ही उल्टा सीधा करेंगे ही गड़बड़ करेंगे ही तो इससे अच्छा है हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए अगर आप इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं तो और तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वी ओपन सम वेबसाइट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लोडिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट तो जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें पता है कि सर्वर से जो है एचटीएमएल आता है सीएसएस आता है जावास्क्रिप्ट आता है ये सब कुछ आता है तो ये सारे जो चीज़ें आ रही हैं सर्वर से वो क्या एक ही साथ आ जाती हैं कि या एक एक करके आती हैं अगर एक एक करके आती हैं तो किस ऑर्डर में आती हैं इसका ऑर्डर आपको बताना है तो ये भी मैंने बहुत ही मतलब बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस वाली वीडियो में तो आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे कि कौन सी फाइल कब कैसे आ रही है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले तो एचटीएमएल ही आता है जब भी हम किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालते हैं तो सबसे पहले एचटीएमएल ही आता है एचटीएमएल ही मेन चीज़ होता है एचटीएमएल ही हम बोल सकते हैं वेबसाइट होती है तो एचटीएमएल के अंदर लिखा होता है कौन सा चीज़ पहले लोड होगा सीएसएस पहले लोड होगा कि जावास्क्रिप्ट पहले लोड होगा और बाय कन्वेंशन ज़्यादातर केसेस में 90% या 90 क्या मतलब हर एक केसेस में सीएसएस ही पहले लोड होता है अगर उसमें लिखा हो एचटीएमएल के अंदर कि जावास्क्रिप्ट पहले लोड होगा तो जावास्क्रिप्ट भी लोड हो सकता है एचटीएमएल के अंदर जिस ऑर्डर में लिखा होता है वो डिफाइन करता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़ पहले कब लोड होगा लेकिन लगभग हर केसेस में सीएसएस ही पहले लोड होता है क्योंकि सीएसएस को ही हम पहले ही लिखते हैं ऊपर ताकि हमारी जो वेबसाइट का लेआउट है वो बन जाए वो दिखने लगे तो सबसे पहले एचटीएमएल लोड होता है फिर सीएसएस फिर जावास्क्रिप्ट और उसमें अलग अलग लोडिंग के तरीके होते हैं जिसमें हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट को पहले लोड कर सकते हैं और सीएसएस को बाद में लोड कर सकते हैं तो वो सब कुछ एचटीएमएल के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि एचटीएमएल में कैसा लिखा गया है जनरल ऑर्डर यही होता है जो कि क्वेश्चन में लिखा गया एचटीएमएल सीएसएस और जेएस तो इसी ऑर्डर में लोड होती हैं चीज़ें और एक साथ नहीं लोड होती एक साथ कभी भी नहीं लोड होती एक एक करके लोड होती हैं ठीक है तो इन सब का आंसर मैंने बहुत ही डिटेल में इन दोनों वीडियोस में दिया है आप ये दोनों वीडियोस अगर देखेंगे ये वीडियो तो लगभग 10 मिनट की है शायद 10 ये 6 मिनट की है वीडियो यहाँ पे दिख रहा है 6 मिनट्स की ये वीडियो है और ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी है 1 घंटा 43 मिनट की है 1 घंटा 43 मिनट ठीक है तो ये दोनों अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपका वेब से रिलेटेड वेब वेबसाइट्स इंटरनेट इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब हम आते हैं अपने HTML वाले क्वेश्चंस पे अगर इंटरव्यूअर आपसे HTML के बारे में पूछ रहा है तो हो सकता है पहला क्वेश्चन यही रहे कि व्हाट इज़ HTML तो आप बता सकते हैं कि HTML जो है उसका फुल फॉर्म बता दीजिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म और इसका यूज़ हम अपना वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए करते हैं वेबसाइट का जो एक ढांचा होता है एक स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ HTML का यूज़ करके बनाया जाता है तो आप ऐसे बता सकते हैं और इंग्लिश में वही आप बोल सकते हैं कि HTML is a hypertext markup language and we use HTML to create the structure of a website. बस इतना आप बोल सकते हैं तो HTML की definition complete हो जाएगी और अगर आपको HTML नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं और इसमें मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से HTML को सिखाया है HTML के हर एक टैग्स नहीं जो बेसिक टैग्स होते हैं उसको सिखाया है और इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनवाया है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं HTML को अगर आपको समझना है अगर आपको सीखना है HTML क्या होता है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन एलिमेंट्स ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये लगभग हर एक इंटरव्यूज में पूछते हैं तो ये आपको एक्सप्लेन करना है अब अगर आपने पढ़ा है तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे आप हिंदी में ही एक्सप्लेन कर दीजिए बेसिकली जो डिव होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और स्पैन जो होता है वो इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है इनलाइन एलिमेंट होता है ऐसा बोल सकते हैं अब इसमें अगर आप इस तरह से आंसर दे देते हैं कि और अगर और भी डिटेल में जाना है तो सीएसएस के अंदर मैंने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट बताया है
वहाँ पे तो एकदम ही बहुत ही लंबा और बहुत ही ज़्यादा मैंने बताया है, तो उसको भी देख सकते हैं सीएसएस वाली वीडियो, उसका लिंक सीएसएस वाली का यहाँ पे मैंने नहीं दिया है। बस एचटीएमएल में अगर पूछ रहे हैं तो बस आप इतना बताएंगे तो काम चल जाएगा। और जो डिव होता है उसका हम यूज़ करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए इकट्ठा, और जो स्पैन होता है उसमें अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कोई दूसरा कलर देना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप उसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं कि डिव इज़ मतलब वी यूज़ डिव टैग टू ग्रुप डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेक्शन या इन वन ग्रुप, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। और स्पैन वी यूज टू स्टाइल डिफरेंट मान लो सेपरेट वर्ड्स। ओके, सो वी यूज स्पैन टैग टू स्टाइल सेपरेट वर्ड्स इन अ पैराग्राफ, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कि डिफरेंस क्या होता है स्पैन और डिव के बीच में, और ये वीडियो आप जरूर देखना, इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एचटीएमएल सेमेंटिक एलिमेंट। जो एचटीएमएल सेमेंटिक एलिमेंट है उनका क्या काम होता है, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ सकते हैं कि एचटीएमएल सेमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, या सेमेंटिक एलिमेंट एचटीएमएल के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि सेमेंटिक का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। तो सेमेंटिक का मतलब ही होता है मीनिंग, सेमेंटिक का मीनिंग होता है मीनिंग। तो सेमेंटिक टैग का मतलब होता है ऐसे टैग्स जिनका कोई मीनिंग हो, जिनका कोई मतलब हो। तो जैसे कि अब आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हेडर टैग, नैव टैग, सेक्शन टैग, और भी कई सारे टैग्स का आप नाम दे सकते हैं। तो जैसे फुटर टैग हो गया और आर्टिकल टैग हो गया, बहुत सारे टैग्स होते हैं। आप चार पांच टैग्स का एग्जांपल दे दीजिए, नाम दे दीजिए। जैसे कि जो हेडर होता है, हेडर टैग, उसका यूज़ करके हम वेबसाइट का हेडर क्रिएट करते हैं, जो हमारी वेबसाइट का पूरा नेविगेशन बार होता है उसको हम क्रिएट करते हैं। और जो नैव टैग होता है उसके अंदर हम नेविगेशन लिंक्स देते हैं। और इनका काम क्या होता है, इससे एक तो हमारा जो कोड है वो रीडेबल हो जाता है, एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से कोड हमारा समझने में ईजी हो जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे हेडर है, कहाँ पे फुटर है, कहाँ पे आर्टिकल है, कहाँ पे कोई अलग अलग सेक्शन है। तो ये भी अगर जो हम एचटीएमएल सेमेंटिक एलिमेंट यूज़ करते हैं उससे डेवलपर के लेवल पे थोड़ा रीडेबिलिटी कोड की बढ़ जाती है। और क्या होता है, और एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते हैं वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ फुटर है, ये चीज़ हेडर है। जो एक देखने वाला यूज़र है जिसको आँख से दिखाई पड़ता है वो तो देख के जान जाएगा ये हेडर है फुटर है, लेकिन अगर कोई जो यूज़र है वो पढ़ नहीं पाता है, मतलब वो देख नहीं पाता है, तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है और वो सॉफ्टवेयर बोलते हैं सारे, तो मतलब हमारी वेबसाइट को रीड आउट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को समझने में आसानी होती है कि अच्छा ये हेडर टैग है, इसका मतलब इसके ऊपर ये पूरी वेबसाइट के ऊपर जो रुका रहता है, जो सारे लिंक्स रहते हैं ये सब यहीं पर रहेंगे। और नैव टैग, इसका मतलब उसके अंदर कुछ नेविगेशन के लिए लिंक दी गई है, तो बहुत ही ईजी होता है जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए। तो ये हो गया एक, इसको हम बोलते हैं कि ये एक्सेसिबल हो गया, कि जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और दूसरा एसईओ के पर्पज से थोड़ा अच्छा हो जाता है, हमारी रैंकिंग बढ़ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो यही सारे फायदे हैं सेमेंटिक टैग को यूज़ करने के। अब इसी बात को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, सेमेंटिक टैग कैरीज सम मीनिंग, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेमेंटिक टैग्स, फॉर एग्जाम्पल हेडर टैग, नैव टैग, आर्टिकल टैग, फुटर टैग, सेक्शन टैग, एंड वी यूज दीज टैग्स इन अप्रोप्रिएट लोकेशंस। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू मेक द हेडर ऑफ वेबसाइट वी विल यूज हेडर टैग, इफ वी आर मेकिंग फुटर देन वी विल यूज फुटर टैग, इफ देर इज सम आर्टिकल देन वी विल यूज आर्टिकल टैग। सो दीज गिव स्ट्रक्चर टू आवर एच टी एम एल कोड एंड इट बिकम्स रीडेबल, द कोड बिकम्स रीडेबल टू अ डेवलपर, एंड दिस मेक्स आवर वेबसाइट एक्सेसिबल एक्सेसिबल टू दोज पीपल हु कैन नॉट सी एंड दे यूज हु यूज स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर टू अंडरस्टैंड द वेबसाइट और अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट ऑफ द वेबसाइट, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप ऐसे एग्जाम्पल मतलब आंसर दे सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है तो आप इंग्लिश में बड़े आराम से बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है।
और इस पे मैंने अलग से ही वीडियो बनाया है, तो इसको भी अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकली अगर आपको फॉलो करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट? तो एक टैग और एक एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हम कभी कई बार हम पी टैग बोल देते हैं और पैराग्राफ एलिमेंट भी होता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी हम एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, तो जितना भी पोर्शन हम उस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इंक्लूडिंग द एंगुलर ब्रैकेट, उसको हम टैग बोल सकते हैं। एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग होता है। कुछ कुछ एलिमेंट्स का केवल ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल देते हैं। तो कुछ कुछ एलिमेंट जो होते हैं, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, तो जो हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको टैग बोलते हैं, लेकिन उसको जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी वेबसाइट में कुछ एक क्रिएट होके आता है। जैसे हमने पी टैग यूज़ किया, पी लिखा, तो हमारी वेबसाइट में एक पैराग्राफ पूरा लिख के आएगा, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो उसको एलिमेंट हम बोल सकते हैं। और हम अगर कोड के हिसाब से बोलें तो जो टैग से लेके कंटेंट से लेके पूरा ओपनिंग से लेके क्लोजिंग टैग तक हम पूरा उसको एक एलिमेंट बोल सकते हैं। लेकिन हालांकि एलिमेंट जो हमारे पेज पे जाके माउंट हो जाता है, पेज पे हमें दिखने लगता है, तब हम उसको एलिमेंट बोल सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, आप जाके ये वीडियो देखना तो आपको समझ आ जाएगा। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है कि अगर आपको इंग्लिश में आंसर देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं अगर आपका इंटरव्यूअर कंफर्टेबल है तो। और अगर मैं अपने वर्ड्स में बोलूँ तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि टैग्स आर दोज एंटिटीज, मतलब अब ये एकदम से मैं नया बना रहा हूँ, तो ये कहीं पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। सो वी कैन कॉल दोज थिंग्स टैग विच वी पुट इनसाइड इन एंगुलर ब्रैकेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल एंगुलर ब्रैकेट एंड पी एंड देन क्लोज क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड देन पी टैग, एंड वट एवर वी पुट इन साइड दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंट, एंड इफ वी कंबाइन एवरी थिंग टूगेदर देन वी कैन कॉल दैट एन एलिमेंट, मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग एंड द कॉन्टेंट, इफ वी कंबाइन एवरी थिंग देन वी कैन कॉल इट एन एलिमेंट। तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स इन एच टी एम एल? एच टी एम एल में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उसका काम क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या काम क्या होता है उनका? तो आप हिंदी में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओपनिंग टैग के अंदर दो चीज होता है, एक तो हो गया उस टैग का नेम या उस एलिमेंट का नेम, जैसे कि पी टैग हमने लिख दिया तो ओपनिंग टैग के अंदर पी टैग हो गया। अब उसके बाद जितना भी जो भी कुछ भी लिखा जाता है उसको एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं। अब एट्रीब्यूट में दो पार्ट होते हैं, एक एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो जैसे कि हमने एक पी टैग लिया, उस पर हम एक एट्रीब्यूट डालते हैं क्लास, तो क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। क्लास इज इक्वल टू, हम कुछ कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कंटेनर डाल सकते हैं या कुछ भी बॉक्स डाल सकते हैं, कोई भी क्लास डाल सकते हैं। तो क्लास जो है वो एक एट्रीब्यूट है। अब वो एट्रीब्यूट का नाम है और इक्वल टू लगा के हम डबल कोट्स में हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू, नाम और वैल्यू ऐसे होता है। तो जो भी ओपनिंग टैग के अंदर हम लिखते हैं, जो टैग के नेम के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसी चीज़ को हम, और इसी चीज़ को हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, और मैं हिंदी में और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका काम क्या होता है। तो जो एट्रीब्यूट होता है उसको देख के हम अलग स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि क्लास का यूज़ करके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं सीएसएस में और स्टाइल से अप्लाई कर सकते हैं, और भी थोड़ा बहुत हम लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइल भी दे सकते हैं अगर हम चाहें तो, हम विड्थ हाइट ये भी दे सकते हैं एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम पूरा का पूरा सीएसएस भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम उसका किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करके थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी, बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो आप इसी चीज़ को इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट वी कैन मॉडिफाई द अपियरेंस बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट एंड वी प्रोवाइड एट्रीब्यूट्स इनसाइड एन ओपनिंग टैग। देयर विल बी वन की एंड वन वैल्यू, लाइक नेम एंड वैल्यू, सो वी प्रोवाइड
दैट इन द ओपनिंग टैग ऑफ एनी एलिमेंट, ऐसे आप बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसको भी ऐसे बोल सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं, आप खुद के भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी एट्रीब्यूट आप चाहें दे सकते हैं। तो कस्टम एट्रीब्यूट होते हैं, और कस्टम एट्रीब्यूट कोई नहीं पूछता, ग्लोबल एट्रीब्यूट पूछते हैं। कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल दो, ठीक है? तो ये हो गया। और फिर उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज फॉर्म टैग एंड हाउ डज इट वर्क। तो आपसे फॉर्म के बारे में पूछा सकता है कि आपको फॉर्म के बारे में कितना पता है, और फॉर्म के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में, जैसे इनपुट टैग होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन अभी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज फॉर्म टैग एंड हाउ डज इट वर्क। तो आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हैं कि फॉर्म टैग जो होता है वो एक कंटेनर की तरह होता है। इनपुट एलिमेंट्स को हम, जो सारे इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम फॉर्म के अंदर रखते हैं, और फॉर्म के अंदर एक बटन भी होती है, और जब भी हम उस बटन को क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म है, जो फॉर्म टैग है ना, उसके ऊपर एक एक्शन का एट्रीब्यूट होता है, उसकी हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी URL हम उसमें डाल सकते हैं। तो जब भी हम सबमिट कर, जो भी बटन है उसके अंदर, उसको जब हम क्लिक करते हैं तो वो डेटा को उस एक्शन वाले राउट पे भेज देता है। और भी उस पे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि मेथड एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के ऊपर, तो जो पोस्ट मेथड होता है, गेट मेथड होता है, तो अलग अलग तरह से फॉर्म के ऊपर मेथड भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस मेथड का यूज़ करके हमें मतलब पोस्ट करना है डेटा को। तो आप इस तरह से HTML फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी चीज़ को आप इंग्लिश में बोल दीजिए, ठीक है? और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, आप इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर देना। और HTML फॉर्म्स आप जितना सिंपल समझते हैं उतना सिंपल है नहीं, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मस्त चीज़ है HTML फॉर्म। और केवल HTML का यूज़ करके आप बहुत ही, HTML फॉर्म का यूज़ करके आप बहुत ही मस्त मस्त प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने वही करवाया है, जैसे कि गूगल का सर्च मैंने बनवाया है, और यूट्यूब सर्च, और फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन का सर्च मैंने बनवाया है, केवल और केवल HTML का यूज़ करके। तो अगर आपको HTML फॉर्म्स अच्छे से आता है तो आप बहुत ही पावरफुल चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का टाइटल ही मैंने रखा, HTML फॉर्म्स कैन डू मोर देन व्हाट यू माइट थिंक। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने अलग बोल दिया, लेकिन जितना तुम सोचते हो उससे ज़्यादा ज़्यादा मतलब कैपेबल है जो HTML फॉर्म है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ डॉक टाइप इन HTML। डॉक टाइप क्या होता है HTML में? तो जब भी हम कोई भी HTML का पेज बनाते हैं और VS कोड में एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के टैब दबा देते हैं या एंटर दबा देते हैं, तो पूरा कोड लिख के आ जाता है, और उसमें सबसे ऊपर होता है डॉक टाइप, कुछ इस तरह से लिख के आ जाता है डॉक टाइप, और फिर HTML भी ऐसे लिखा रहता है। तो ये डॉक टाइप का क्या मतलब होता है, क्या काम होता है? तो बेसिकली डॉक डॉक टाइप का यूज़ करके हम HTML का वर्जन बताते हैं कि HTML का कौन सा वर्जन है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम VS कोड के अंदर लिखते हैं तो ये HTML इस तरह से लिख के आ जाता है, और इसका मतलब होता है कि ये HTML का वर्जन 5 है। HTML का जो वर्जन 4 था उसमें कुछ अलग लिखना पड़ता था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या लिखना पड़ता था। अगर HTML का वर्जन 4 बताना है तो हमें कुछ अलग लिखना पड़ेगा, और उस चीज़ को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, द मिसिंग पीसेस, HTML द मिसिंग पीसेस। इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डॉक टाइप का क्या मतलब होता है और क्यों यूज़ करते हैं, और वर्जन 4 में हम क्या लिखते थे उसको भी मैंने दिखाया है कि जब HTML का वर्जन 4 था तो वहाँ पे क्या लिखा जाता था। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक टाइप इज़ यूज टू टेल द ब्राउजर्स दैट विच HTML वर्जन वी आर यूजिंग इन आवर वेब पेज। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं कि HTML का वर्जन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा डॉक टाइप वाला क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेटा टैग इन HTML। मेटा टैग का क्या पर्पज़ होता है? हमारे जब बॉयलर पेज जब जनरेट होता है तो उसमें कई सारे मेटा टैग्स होते हैं, तो उसका क्या काम होता है? तो मेटा जो टैग्स होते हैं वो मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं हमारी वेबसाइट के बारे में। अभी मेटा डेटा क्या होता है? तो बेसिकली मेटा डेटा ये डेटा होता है जो कि हमारी वेबसाइट पे डायरेक्टली नहीं दिखता है, लेकिन सर्च इंजन्स को वो थोड़ा
सर्च करने में हमारा कंटेंट हेल्प करता है, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी हम मेटा टैग व्यू पोर्ट, उसमें एट्रीब्यूट देके मेटा व्यू पोर्ट देके अपनी वेबसाइट को बताते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव थोड़ा सही से करो, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन एक हम देते हैं अपने वेबसाइट का थोड़ा डिस्क्रिप्शन के लिए, तो जब गूगल सर्च जब रैंक करता है तो वहाँ पे उसी डिस्क्रिप्शन को दिखाता है। तो बेसिकली इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे लिखा है, और मैंने यहाँ इस वीडियो में भी बताया है HTML दी मिसिंग पीसेस, इस वीडियो में भी मैंने बताया है कि मेटा टैग्स क्यों होते हैं, क्या क्या यूज़ कर मतलब क्यों यूज़ किया जाता है, अपना जो कैरेक्टर इनकोडिंग है वो भी बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ होता है, मतलब मेटा टैग का यूज़ इसलिए होता है। और तो इतना हो गया, मतलब ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चंस, यहाँ तक के मतलब जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इंटरमीडिएट टू फ्रेशर टू इंटरमीडिएट लेवल में सारे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने दो ये क्वेश्चंस रखे हैं, ये इंटरमीडिएट लेवल तक हो सकता है पूछ लें, लेकिन फ्रेशर से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैनवस एंड SVG टैग, कैनवस टैग एंड SVG टैग। अब इसको मैंने भी पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पे, इसमें मेरा वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैनवस का यूज़ करके भी हम ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इलस्ट्रेशन, टेक्स्ट कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और SVG का यूज़ करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो कैनवस होता है वो रास्टर बेस्ड होता है, और SVG जो होता है वेक्टर बेस्ड होता है। अब ये रास्टर बेस्ड क्या होता है चीज़, तो अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया और आपने अगर इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ किया है, तो इलस्ट्रेटर से अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो उसको कितना भी जूम कर सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब कितना भी जूम करेंगे फटेगा नहीं। लेकिन फोटोशॉप से जो बनाते हैं वो अगर जूम करेंगे तो एक टाइम के बाद फट जाता है, अगर आप एक गोला बनाते हैं। तो जो रास्टर बेस्ड इमेजेस होती हैं, रास्टर बेस्ड जो ग्राफिक्स होते हैं वो सारे पिक्सल्स पे बने होते हैं, वो पिक्सल्स का यूज़ करते हैं, तो जब भी हम उसको बड़ा करते हैं तो पिक्सल्स दिखने लगते हैं, ठीक है। और जो वेक्टर इमेजेस होती हैं वो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज़ करके बनती हैं, उसमें मैथमेटिक्स यूज़ होता है, इक्वेशंस यूज़ होती हैं, तो इसी कारण से उसको हम कितना भी जूम कर दें वो कभी फटती नहीं है। तो ये दो डिफरेंस होता है कैनवस और SVG के बीच में, यही मेन डिफरेंस होता है, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और कैनवस को मेनली हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ड्रॉ करते हैं, कैनवस में अगर कुछ भी ड्रॉ करना है तो जावास्क्रिप्ट से ड्रॉ करेंगे, और SVG के अंदर हम CSS से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और केवल HTML का यूज़ करके भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन कैनवस में अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा, तो ये मेन डिफरेंस होता है, और बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और आप आंसर कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एडवांस हैं, ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस लेवल वालों से पूछे जाएंगे, या तो मिड लेवल से भी पूछे जा सकते हैं, 1 आध साल का एक्सपीरियंस हो उससे भी पूछ सकते हैं। और फिर ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर HTML टेम्पलेट्स, ये भी कभी भी जूनियर स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे, जूनियर फ्रेशर से नहीं पूछेंगे, ये सीनियर से ही पूछेंगे कि टेम्पलेट क्या होते हैं। तो बेसिकली HTML में एक टेम्पलेट टैग होता है, अगर टेम्पलेट टैग के अंदर आप कुछ भी रखते हैं तो वो हमारे पेज के ऊपर नहीं दिखता है, वो आएगा ही नहीं, वो लगेगा कि गायब हो गया, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके दिखाते हैं। मान लो हमें ऐसा कोई कोड है जो कि हमें तुरंत नहीं दिखाना है, कुछ टाइम के बाद या कुछ भी यूज़र करे उसके बाद दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको टेम्पलेट टैग के अंदर रख सकते हैं, और जब वो यूज़र कोई काम कर दे उसके बाद दिखाना है हमें तो हम दिखा सकते हैं, मतलब वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम अपने पेज पे उसको माउंट करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये होता है टेम्पलेट टैग, और इससे परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट लोड में हम उसको लोड नहीं करते हैं, वो हमारे पेज पे आता ही नहीं है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम डालते हैं, तो थोड़ा हमारा पेज का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ ऐसे ही करना है हमें, जो चीज़ें हमारी फर्स्ट लोड में दिखती हैं उसको तो हमें नॉर्मली रखना है, और टेम्पलेट का यूज़ हम कभी कभी करते हैं, मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस HTML के, और
जो कि आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन जो हैं वो तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछे ही जाएंगे। इसमें से मतलब अब ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको HTML समझना अपने मतलब अच्छे से आना चाहिए, HTML आप समझें, ठीक है? क्योंकि इतना क्वेश्चन, कितना भी आप क्वेश्चन याद कर लें, कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, आपको समझना ही पड़ेगा अच्छे से। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप ChatGPT खोल लीजिए एक न्यू टैब में। तो इस वीडियो में हम लोग एक वेबसाइट ChatGPT खोल लीजिए और ChatGPT से पूछ लीजिए कि HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैंने यहाँ से ChatGPT से ही एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब ChatGPT से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं और कई सारे मेरे भी क्वेश्चन हैं वहाँ पे। तो आप यहाँ से पूछिए, गिट मी, मैंने लिख दिया, गिव मी 10 HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सीनियर लेवल। क्वेश्चन एंड आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपको मिल जाएंगे 10, क्या आप 20 50 जितने भी क्वेश्चन चाहें उतने आप ले सकते हैं यहाँ से। तो ये व्हाट इज पर्पज ऑफ डॉक टाइप, ये पूछ लिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML, ये भी है। और व्हाट इज सेमेंटिक HTML, ये तो मैंने ऑलरेडी पूछा है। एक्सप्लेन अल्ट टैग की मीनिंग क्या है, डेटा एट्रीब्यूट क्या होते हैं। मेटा टैग, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया है। मेटा टैग विथ कैर सेट एट्रीब्यूट, ये स्पेसिफिक पूछ रहा है। आई फ्रेम का क्या पर्पज़ होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, इसको एक्सप्लेन करना है ये। हाँ, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स गेट पोस्ट, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज लोडिंग स्पीड, मतलब एक वेब पेज का कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको 10 मोर क्वेश्चन चाहिए तो लिख दीजिए 10 मोर क्वेश्चंस। तो ये और भी क्वेश्चंस दे देगा। स्क्रिप्ट टैग में अगर हम डिफर एट्रीब्यूट लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इसको मैंने जावास्क्रिप्ट में एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन एक्सेसिबिलिटी इन वेब, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। तो ये HTML5 लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, ये क्यों यूज़ होते हैं, क्या होते हैं। तो ऐसे ही आप कितने भी क्वेश्चन ChatGPT से पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देगा, आपको क्वेश्चंस भी दे देगा। तो ये अगर और आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और मुझे जितना लगा कि जितने बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उतना मैंने इस लिस्ट में रख दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट, उनके साथ भी शेयर करिए। और इन सारी वीडियोस का जिनका लिंक मैंने दिया है, आप वो वीडियोस जरूर चेकआउट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के, CSS के इंटरव्यू क्वेश्चंस लाएंगे। और बहुत ही डिटेल में बहुत सारी टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो आप चैनल, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप जाके और भी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, CSS की प्लेलिस्ट है, रिएक्ट की प्लेलिस्ट है, गिट एंड गिटहब की प्लेलिस्ट है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो, आप सीखते रहिए, शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।